कार बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पांच की आज। आज बात करेंगे सबसे पहले नगर निगम के सबसे बड़े घोटाले की। कैसे जिंदा लोगों के नाम पर करोड़ों रुपए अधिकारी डकार गए। उधर लोकसभा के बाद मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। बात नीट से जुड़ी खबर की भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाया है। और सबसे पहले बात इंदौर नगर निगम में घोटाले की। इंदौर नगर निगम में करोड़ों का घोटाला पकड़े जाने के बाद अब भोपाल नगर निगम में भी करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। निगम के अधिकारी कर्मचारी जीवित लोगों को मृत बताकर उनके नाम पर मिलने वाली अनुग्रह राशि डकार गए। अलग अलग मद में ये राशि 2 से 4 लाख रुपए तक मिलती है। एक शख्स ने लोकायुक्त में शिकायत कर बताया था कि उसे मृत बताकर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने सैयद मुस्तफा नामक व्यक्ति के बैंक खाते में 2 लाख रुपए की राशि डाल दी। लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच की तो 123 प्रकरण संदिग्ध पाए गए। जांच के बाद पुलिस ने 8 जोनल अधिकारी, 6 वार्ड प्रभारी समेत 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भोपाल नगर निगम के अलग अलग जोन में 100 से ज्यादा पंजीकृत मजदूरों की मौत की फाइल तैयार की गई। इन्हें भवन संनिर्माण एवं कर्मकार मंडल में भेजकर श्रमिकों को मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान ले लिया गया। गड़बड़ी के लिए श्रमिकों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर फाइल में लगाया गया। गड़बड़ी करने वालों ने भ्रष्टाचार की राशि अपने किसी परिचित या फिर श्रमिक के खाते में डलवाई। अब जब मामले का खुलासा हुआ तो सियासत शुरू हो चुकी है। महापौर ने कार्रवाई की बात कही है तो वहीं कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। नगर निगम बना भ्रष्टाचार का अड्डा, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला, मदद के नाम पर सबसे बड़ी गड़बड़ी। निगम ने जिंदा लोगों को बताया मृत, अधिकारी डकार गए करोड़ों रुपए। भोपाल नगर निगम में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। जिंदा लोगों को मृत बताकर करोड़ों रुपए की बंदरबांट का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की जांच में ऐसे 123 मामले सामने आए हैं। लोकायुक्त ने 8 जोनल अधिकारी समेत कुल 23 अधिकारियों और कर्मचारियों पर केस दर्ज किया है। उधर इस पूरे मामले में महापौर मालती राय ने कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यदि लोकायुक्त का मामला आया है तो उन दोषित कर्मचारियों को कमिश्नर के माध्यम से उन पर कार्रवाई होगी और होना चाहिए। कहना रहा है कि बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। इसीलिए तो उन जो पैसे उनके थे वो जमा हो गए और जो कार्रवाई हुई है, लोकायुक्त की रिपोर्ट आई है, उस पर भी कार्रवाई होगी। लोकायुक्त की जाँच में 8 बिंदुओं पर अनियमितता सामने आई है। करीब 2 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया है। आप तो ये कह रहे हो नगर निगम का कि मरे हुए लोगों के नाम पर ये कर लिया। अरे नगर निगम का ये किस्सा सुनो, जो कुत्ता 2-2 साल पहले मर गए थे उनकी नसबंदी उन्होंने अभी करी है और उसके पैसे निकाले। फिलहाल लोकायुक्त की ओर से मामले की जांच की जा रही है। लोकायुक्त द्वारा संबल के संबंध में जो जांच प्रारंभ की गई है, उस जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ लोकायुक्त जो अनुशंसा करेंगे उनके अनुसार कार्रवाई नगर निगम करेगा। एक भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं। अब देखना होगा मामले की जांच और उस जांच की आंच किस किस तक पहुंचती है। भोपाल से शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18। और ये पूरा का पूरा घोटाला संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि में किया गया। ये सहायता राशि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवार के सदस्यों को दी जाती है। नगर निगम अध्यक्ष का कहना है कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की गड़बड़ियां हो ही ना।
भोपाल नगर निगम में हैरान करने वाला फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। दरअसल वह यह है कि जिसमें 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन्वॉल्व है और बताया जा रहा है जो संबल योजना के तहत दरअसल जिन मृत लोगों के परिवारों को सहायता राशि दी जाती है, ऐसे ही भोपाल नगर निगम में करीब 123 लोगों को मृत बताकर राशि हड़प ली गई और वो राशि कुछ लोगों के खातों में भी गई। उसके बाद जो 17 अफसर हैं उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। लोकायुक्त ने इस मामले में न केवल मामला दर्ज कर किया है बल्कि कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और दूसरा ये कि दरअसल फरवरी में एक मामला सामने आया था और इसके बाद शिकायत हुई थी, जिसके बाद लोकायुक्त एक्टिव हुआ। और अब हालांकि जो नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी हैं वो कहते हैं कि इस मामले में जो भी लोकायुक्त का फैसला होगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, आगे इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा ताकि इस तरह के फर्जीवाड़े आगे भविष्य में ना हो पाएं। लेकिन बहुत हैरान करने वाला मामला है कि कैसे लोगों को मृत बताकर उनके नाम पे पैसे निगम ने निकाल लिए हैं। अब करीब 17 लोग, 8 जोनल अफसर के सहित 17 लोग इस कार्रवाई के जद में हैं। अब देखना है कि आखिर लोकायुक्त की कार्रवाई में निकलता क्या है। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारिया, न्यूज 18 भोपाल। और चलिए अब बात करेंगे राजनीति की। लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव आ गए हैं। दरअसल छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों में एक बार फिर टक्कर देखने को मिलेगी। कमलनाथ लोकसभा चुनाव में अपना गढ़ हार चुके हैं, ऐसे में कमलनाथ के सामने साख का सवाल है और बीजेपी जीत से गदगद है। लेकिन उपचुनाव में जीतना बेहद जरूरी होगा क्योंकि ये बीजेपी की शान बनाए रखने वाला चुनाव है। लोकसभा के बाद उपचुनाव, किसका चलेगा दांव? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जनता किसके साथ? छिंदवाड़ा में फिर कांग्रेस की अग्नि परीक्षा, नाथ का इम्तिहान, पटवारी की बचेगी शान? मध्य प्रदेश में फिर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा के बाद छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है, ऐसे में ये चुनाव कई मायनों में खास होगा। दरअसल छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस गढ़ को ढहा दिया है। अब विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख और शान का सवाल है। 2023 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा की सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा में करारी हार के बाद अमरवाड़ा उपचुनाव कांग्रेस के लिए साख का सवाल है। देखिए, तैयारी तो माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में हमने जब से जो अध्यक्ष बने लगातार की है, लेकिन अब जो हार से हमको जो फीडबैक सामने मिला है, जहां जहां हमारी कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करेंगे। और निश्चित रूप से जो अमरवाड़ा की सीट जो खाली हुई है और जो उसने धोखा दिया है, सबक जरूर सिखाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा सीट जीत करके ये दिखा देंगे कि माननीय कमलनाथ जी का गढ़ कहते हैं ना लोग, तो कमलनाथ जी का गढ़ प्रूफ हो जाएगा, एक बार प्रमाणित हो जाएगा। बीजेपी ने यहां से कमलेश प्रताप शाह को टिकट दिया है। कमलेश प्रताप शाह कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस कमलेश शाह के सामने किसे टिकट देगी, इस पर सबकी नजरें हैं। देखिए, वही कांग्रेस है जो भी हाल ही में 29 की 29 लोकसभा चुनाव हार कर कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है, जिनके नेतृत्व में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस चल रही है। वो अपने बूथ पर 617 वोटों से हारे हैं, अपने वार्ड से वो 15,500 वोट से हारे हैं। तो जो अपना वार्ड और बूथ नहीं जीत सका, जो अध्यक्ष जो अपनी चुनाव में इस पराजय का जिम्मेदारी नहीं ले सका, वो आने वाले चुनाव में क्या गुल खिलाएंगे। ये चुनाव जीतू पटवारी के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि बीते 2 चुनाव में जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अगर अमरवाड़ा में जीतू पटवारी कमाल कर पाए तो ये पार्टी और कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने में अहम साबित हो सकता है। खैर, अमरवाड़ा का उपचुनाव कांग्रेस की दशा और दिशा तय करने वाला हो सकता है, साथ ही प्रदेश नेतृत्व के लिए खुद को साबित करने का एक मौका भी है। अब देखना होगा उपचुनाव के रण में किसका दांव चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब आपको अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम बताते हैं। कब नामांकन होंगे, कब चुनाव है, अमरवाड़ा का उपचुनाव खास क्यों है, इसे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। सबसे पहले जान लीजिए उपचुनाव की जंग। नामांकन 21 जून तक रहेगा, वोटिंग 10 जुलाई को होनी है, स्कूटनी 24 जून तक होगी और नतीजे इसके
13 जुलाई को सबके सामने हो जाएंगे। उपचुनाव की जंग ये इस तरह से रहेगी। खास क्यों है? नाथ का गढ़, साख का सवाल, कांग्रेस का किला और शान की बात, ये बीजेपी के लिए है। ये किला ढह चुका है, लेकिन इसी किले की अमरवाड़ा एक महत्वपूर्ण सीट है। इस वजह से यह कहा जा रहा है कि अमरवाड़ा का चुनाव है, उपचुनाव है, एक ही सीट पर उपचुनाव है, लेकिन कई मायनों में ये खास है। तो अमरवाड़ा बेहद खास सीट है क्योंकि यहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जीजीपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जो इस विधानसभा में वोट शेयर के लिहाज से तीसरी बड़ी पार्टी है। कई चुनावों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही है। आखिर इस सीट पर कैसे त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है, उसे आपको समझ लेना चाहिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, वो तब जब हम बीजेपी और कांग्रेस की बातें करते हैं, लेकिन कई चुनाव ऐसे रहे हैं कि ये 2003 में जीजीपी का प्रत्याशी यहां से जीत चुका है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। इसके अलावा पार्टी के खाते में सीट नहीं आई है, पर यही फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का। हर चुनाव में लड़ाई को त्रिकोणीय बनाती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। 2008 के चुनाव में ये जो प्रत्याशी था गोंडवाना पार्टी का, वो दूसरे नंबर पर रहा, जिसका भी मैंने जिक्र आपको किया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर ये रहा है। इसके अलावा 2018 में जीजीपी के मनमोहन बट्टी जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे 2018 में, और बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चला गया। बट्टी कौन है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक। 2023 में जो प्रत्याशी है 8% वोट शेयर इसे मिला है, और प्रत्याशी कौन बना था? बट्टी की जो बेटी थी, एन वक्त पर बीजेपी ने उसे अपने पाले में कर लिया, अपनी पार्टी में कर लिया। विधानसभा चुनाव की तीसरी लिस्ट जब जारी की गई थी, उसमें सिर्फ मनमोहन शाह बट्टी की बेटी का नाम था बीजेपी की तरफ से, वो सीट यही थी। त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से बनती है। 2023 में शाह यहां से जीते और जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है वो पीछे रह गई। इस सीट के राजनीतिक समीकरणों की पड़ताल करें तो पता चलता है बीजेपी कांग्रेस की इस लड़ाई के साथ साथ इस गोंडवाना पार्टी की अहम भूमिका है। आंकड़े बताते हैं कि यदि कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहां हाथ मिला ले तो वो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, यानी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने से फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अमरवाड़ा विधानसभा में बीते 3 बार के चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस में कमलेश प्रताप शाह यहां से जीतते रहे। इस बार समीकरण अलग है। आपको 2013 से लेकर 2023 तक के विधानसभा चुनाव का सियासी गणित बताते हैं कि यहां किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला है, उसे जरा समझ लीजिए, वोटिंग परसेंटेज जान लीजिए। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस के खाते में 1,00,000 से ज्यादा, बीजेपी के खाते में 84,000 से ज्यादा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 18,231। सवाल यह है, ये लोकसभा चुनाव नहीं है, एक सीट पर 18,000 की लीड ये बहुत मायने रखती है। विधानसभा चुनाव 2018 71,000 से ज्यादा कांग्रेस के खाते में, 61,000 से ज्यादा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में गए हैं। 71-61 10,000 का डिफरेंस रहा सिर्फ। वहीं 53,499 बीजेपी के खाते में गए। यह 2018 का चुनाव था जब सरकार भी बदली थी। विधानसभा चुनाव 2013 जान लीजिए, 55,000 कांग्रेस के खाते में, 51,000 से ज्यादा बीजेपी के खाते में, 46,000 बहुत बारीक फर्क। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में गए 2013 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। आप नजरअंदाज कर नहीं सकते गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को यहां। उसकी वजह भी है कि इस पार्टी का जो कोर वोटर है वो इस इलाके में सबसे ज्यादा है। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी का दावा कि इस बार अमरवाड़ा में कमल खिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को जिसने मैदान में उतारा है वो कांग्रेस से भागा हुआ है। जनता पार्टी के नेता श्री कमलेश शाह जी को भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा से उम्मीदवार बनाया है। लगातार 3 बार वे विधायक रहे हैं, बड़े अंतर के साथ जीते हैं। अभी भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अमरवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। 10 जुलाई को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। लोकसभा हमने बरसों बाद छिंदवाड़ा जीती है। छिंदवाड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव में हम सारी सीटें हार गए थे, लेकिन एक शुरुआत होगी, अमरवाड़ा से कमल खिलेगा और 13 जुलाई को उसके परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक और साथी की वृद्धि इस चुनाव के परिणाम के बाद होगी। बीजेपी का कैंडिडेट कहाँ है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसका नाम अनाउंस किया है। तो असली उम्मीदवार तो अब घोषित होगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी, वो ओरिजिनल कैंडिडेट होगा। ये तो कांग्रेस से भागा हुआ आदमी है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 मामले में सीबीआई के जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी तरह का आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अब 8 जुलाई को दोनों मामलों की सुनवाई होगी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से देश भर के हाई कोर्ट में नीट 2024 के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर उम्मीदवार देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। नीट रिजल्ट से पहले 1 जून को एक छात्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेपर लीक को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट भले इस बात से इनकार करता रहे पर बिहार में तो इस मामले में गिरफ्तारियां तक हो चुकी हैं। परीक्षा के मामले में एनटीए के द्वारा दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की अर्जी पर सुनवाई करते हुए तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। दरअसल एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि ऐसे मामले कई हाई कोर्ट्स में लंबित हैं और ऐसे में फिलहाल तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में ही लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे, जिससे छात्रों के बीच में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है वो ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एनटीए की अर्जी पर सुनवाई किया और तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी कर मामले को 8 जुलाई के लिए लगा दिया है। इसी बीच कुछ और याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसमें ये मांग की गई थी कि सेंटर मैनिपुलेशन हुआ है, नीट की परीक्षा में अंकों के साथ छेड़छाड़ किया गया है और पेपर लीक भी हुआ है, लिहाजा इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई जांच के आदेश देने वाली अर्जी पर अभी फिलहाल कुछ आदेश नहीं जारी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को पेंडिंग रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम याचिकाओं पर भी नोटिस जारी कर तमाम याचिकाओं को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया है। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नीट से संबंधित जो भी बड़े मामले होंगे अब उन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को करेगा और ऐसे में जो एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम जो हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन तमाम याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर आगे बढ़ेगा। तो 8 जुलाई की सुनवाई बेहद अहम होगी, जब तमाम मुद्दे एक साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाएंगे। देखना बेहद अहम होगा कि एनटीए का जवाब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या होता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नीट मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे लेकर सीधे केंद्र पर हमलावर है। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया कि साहब इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके ये सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है, ये हमने कल सुना और देखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, लोगों को सीट एलोकेशन ही हो जाएगा, तो अगर नीट के अंदर गड़बड़ियां भी पाई जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। और अब नीट परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। गुजरात के पंचमहाल से ये खबर मिल रही है कि पंचमहाल में परीक्षा पास कराने की साजिश का मामला सामने आया। गुजरात पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं। इस तरह के गलत धंधों में ब्लैंक चेक ही चलता है। पुलिस की जांच में पता चला है कि चेक के जरिए 2.5 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन आरोपी परशुराम रॉय से किया गया। जिन छात्रों की सूची मिली है उनमें अभिभावकों और छात्रों के द्वारा वित्तीय लेनदेन की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त करके एफएसएल को भेजे हैं। स्कूल में से ये तुषार भट्ट और एक प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा है, वो दो स्कूल से पकड़े गए हैं। साथ में तुषार भट्ट के कॉन्टेक्ट में जो रॉय ये ओवरसीज कंसल्टेंसी चला रहा था परशुराम रॉय करके,
परशुराम रॉय के एक और साथीदार था विभोर आनंद, और साथ में तुषार भट्ट का एक और बिचौलिए टाइप का आदमी था आरिफ वोरा करके। ये पांच लोगों को अभी तक पकड़ा गया और पांच की आंच में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।